हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं सैमसंग M30 हमारे पास हैंडसेट आया आज, M307F, जिसमें प्रॉब्लम यह है, ग्राफिक तो इसमें दिखता है बट लाइट नहीं आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको मैं चार्जिंग का लोगो दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि 67% यहाँ पर शो कर रहा है। आपको अच्छे से दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा लाइट के नीचे, आपको क्रॉस करके देखना है। अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। 67% यहाँ पर चार्ज है हैंडसेट हमारा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे रिपेयर करना है। ये वीडियो आप फ़ोन फिक्स और मोबिकर सॉल्यूशंस टीम के ऑफिशियल चैनल पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले पीसीबी को फोल्डर से हम आउट कर लेते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं या फिर आपको इस तरह की ट्रेनिंग लेना है, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन क्लास 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम 100+ वीडियोस आपको एप्लीकेशन के थ्रू फ्री देंगे और लाइव हमारी एडवांस 10 क्लासेस आपको मिलेगी मोबाइल गुरु फिरोज सर के साथ, आपको जूम एप्लीकेशन के थ्रू। और फीस इसकी रहने वाली है ओनली 14999। व्हाट्सअप 6 मंथ सपोर्ट भी रहेगा आपको, और लाइव वीडियोस रहते हैं और आपको सॉल्यूशन भी मिलते रहेंगे इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कूल टेस्टिंग करनी है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करेंगे बोर्नियो स्केमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन को, हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि आपको समझाने में हमें बहुत आसानी से हम समझा सकते हैं। पीसीबी को देख सकते हैं, पूरा साफ है, नीट है, कोई काम किया हुआ नहीं है, किसी ने इस पर काम नहीं किया। ये हमारा LCT कनेक्टर है और ये हमारा FPC कनेक्टर, और हमें जो कूल टेस्टिंग करनी है हमारे ऑक्टा LED कनेक्टर, जिसको हम LCD कनेक्टर भी कहते हैं। तो ये जो हैंडसेट है हमारा, इसमें आपको सुपर AMOLED लाइट मिलने वाली है, और इसमें जो IC यूज़ की गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, SM3010 25 बॉल इसमें होते हैं और 3 कॉइल इसमें आपस में लगे होते हैं हमेशा सुपर AMOLED में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा LCD कनेक्टर, जिसमें 5 पिनों का आपको GR निकालना है, GR चेक करना है। जो ELVSS जो हमारी पहली 2 पिनें हैं, जो कि -5 वाली लाइन है, इसमें आपको GR नहीं मिलेगा। इसमें आपको प्रोब को पलटाना है, रेड प्रोब से चेक करना है और ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करना है, तब आपको यहाँ पर GR मिलेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कहाँ पे चेक कर रहा हूँ आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो चलिए मैं LCD में आपको बताता हूँ। और इस स्केमेटिक की जो ये हमारा पेज है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बाजू रख लेते हैं, ताकि आपको मैच करके एक एक पिन टू पिन में यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये सारा चीज़ आपको सिखानी है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इस वीडियो में आप सीख रहे हैं, अगर आप अच्छे से बिना स्किप किए एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो किसी भी लाइट सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली 2 पिनें आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई GR नहीं मिलेगा। जैसे मैं प्रोब पलटाता हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 500 के आसपास GR हमको मिल गया, मतलब हमारी ट्रैक ये ओके है। नेक्स्ट हमको 4th और 5th पिन जो कि आपस में कनेक्टेड है, ELVDD हम इसे कहते हैं, यहाँ पे आपको 500 के आसपास GR मिल रहा है, जो कि हमारी +5 की लाइन है। और ये हमारी ELAVDD की लाइन में यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है, मतलब हमारा ELVDD जिसमें आप 7.3 to 7.6 वोल्ट की लाइन है, ये हमें यहाँ पर शॉर्ट मिल रही है। इसके बाद इनेबल 1 430, इनेबल 2 570, मतलब ये इनेबल 1 और 2 दोनों लाइनें हमारी बिल्कुल सही हैं, और जो लाइन शॉर्ट है हमारी ELAVDD 7.6 की लाइन हमें यहाँ पे शॉर्ट मिल रही है। तो लाइन को ट्रेस करेंगे, ट्रैक करेंगे, सबसे पहले हमें जो भी कंपोनेंट मिलेगा, अगर पैरेलल में कंपोनेंट है तो उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा एक कैप यहाँ पे लगा है LCD कनेक्टर के बाजू में, तो सबसे पहले इसको हम रिमूव कर लेते हैं। देख सकते हैं ये भी यहाँ पर शॉर्ट बता रहा है, हो सकता है ये कैप शॉर्ट हो, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि LCD में जब तक PCB में कंपोनेंट लगे होते हैं कैपेसिटर्स, तो हमें प्रॉपर पता नहीं चलता है। तो अभी भी इसको रिमूव करने के बाद भी यहाँ पे इस लाइन में शॉर्टिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी बीप आ रहा है। आगे बढ़ेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन को ट्रैक करते हुए, और आगे जाकर अगर आप देखेंगे तो
तो आगे जा कर के एक छोटा सा कैप, उसके बाद एक कॉइल यहाँ पे मिलेगा। तो ये देख सकते हैं इस लाइन को, ऑरेंज लाइन में देखेंगे आप, एक कैप लगा हुआ है और सीरीज़ में कॉइल है। तो पीसीबी को हम घुमा लेंगे और ये देख सकते हैं ये इसका लाइट आईसी, तो सीपीयू के साइड है, सीपीयू के नीचे इसका सुपर ऑमलेट लाइट लगा है, लाइट आईसी लगा है। तो ये हैंडसेट में आप देख सकते हैं सारा का सारा हैंडसेट फ्रेश है। ये हमें जो ऊपर जो टेप लगा है, हीट रेजिस्टेंस टेप जिसे आप कहते हैं, इसको हमको रिमूव करना है, जो कि शील्ड के ऊपर लगा होता है, और बहुत आसानी से आपको निकालना है नरम हाथों से, ब्लेड से आप कट कर सकते हैं या फिर हीट वगैरह करके भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ, और अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, सीपीयू और रैम होता है, बहुत ध्यान से आपको करना है फ्रेंड्स, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपको काम बढ़ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स शील्ड को भी हमें कट करना है, क्योंकि आईसी और कुछ कंपोनेंट, ये जो शील्ड लगा है, ये पतरा लगा है, उसके नीचे लगे होते हैं, ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, कोई काम किया हुआ नहीं है। यहाँ पे मैं जो वीडियोस आपको हमारे चैनल पे बताता हूँ फ्रेंड्स, सारे के सारे लाइव रिपेयरिंग होते हैं, और आप देखते हैं काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में फ़ोन बंद कराते हैं और काफ़ी सारे ख़राब मोबाइल मिलते हैं। तो क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी सारा उसमें ख़ुद से क्रिएट किया हुआ भी होता है सलो प्रॉब्लम, और ख़ुद लाइव उसको रिपेयर करके स्टूडेंट के सामने भी बताते हैं। तो हमारे यहाँ पर हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा शील्ड पतरा वगैरह सारा का सारा आपके सामने यहाँ पे रिपेयर हो रहा है हैंडसेट। और हमारे यहाँ पे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेते हैं तो हम आपको लाइव रिपेयर करके काफ़ी सारे सेट भी आपके सामने बताएँगे, और आपके हाथ से ख़ुद हम लाइव रिपेयर करवाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स शील्ड कट कर लेनी है आपको, और उसके बाद मैं आपको छोटा सा ट्रिक यहाँ पे दूंगा, शॉर्टिंग किस साइड है कैसे पता करें। तो शील्ड हटाने के बाद हमें लाइट आईसी के पास काम करना है, इसमें पेस्टेड लाइट आईसी होता है SM3010, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर DOST इस तरह से लिखा होता है, ये दोनों आईसी एक ही होते हैं, कोई भी आप इसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स एक छोटा सा कैप, और सीरीज़ में एक कॉइल लगा है, और ये कॉइल लगा है, यहाँ पे एक लोड कैप लगा है, तो यहाँ पे भी अभी भी शॉर्टिंग आ रही है। तो अब आपको ये करना है, कॉइल के इस साइड शॉर्ट है या फिर कॉइल से पहले जो कैप है वो शॉर्ट है, अगर आपको देखना है तो ये बीच वाले कॉइल को आपको रिमूव करना है। यहाँ पे मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको, हालाँकि एक ही कैप है, अगर आप चाहें तो पहले इस कॉइल को हटा करके भी चेक कर सकते थे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, डायरेक्ट मुझे बनाना है तो मैं 2 मिनट के अंदर इसको रिपेयर कर दूँ, बट मुझे आपको सिखाना है इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। कभी भी किसी भी लाइन में शॉर्टिंग होती है और उसमें सीरीज़ में कोई कॉइल होता है तो उसको आप रिमूव करिए, आपको ये पता चल जाएगा कि किस साइड में शॉर्टिंग है। यहाँ पर कॉइल को हटाने के बाद आप देख सकते हैं अभी भी शॉर्टिंग आ रही है, मतलब ये या तो आईसी शॉर्ट है या तो हमारा ये लोड कैप शॉर्ट है, दो में से कोई ना कोई एक शॉर्टिंग है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी बीप आ रही है, और इस कैप के पास कोई जीआर नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कॉइल को यहाँ पर उठा लिया है एक साइड से। तो ये छोटा कैप तो हमने यहाँ से हटा ही दिया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी भी कैपेसिटर में शॉर्टिंग आ रही है, या तो आईसी से लीकेज है या तो ये बड़ा कैप शॉर्ट है। अब तो दो चीज़ हमारे पास बच गए हैं, पूरी लाइन हमने ट्रेक कर ली है, ट्रेस कर लिया है, लाइन में कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं है। तो चलिए इस बड़े कैपेसिटर को ही उठाते हैं, आईसी तो पेस्टेड है, उसको उठाने से पहले आपको कैप को रिमूव करना है, और कैप को रिमूव करके चेक करना है कि कैप शॉर्ट है या आईसी शॉर्ट है। तो कैप अगर हम हटा लेते हैं और यहाँ पर हमारी शॉर्टिंग चला जाती है और यहाँ पर 500 प्लस वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब ये है कि हमारा आईसी सही है और कैपेसिटर ही शॉर्ट था। अगर कैप शॉर्ट नहीं मिलता है तो यहाँ पर हमारी आईसी हमको उठानी होगी, रिवॉल्व करके रिप्लेस या फिर रिवॉल्व करके डालनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ का जीआर चेक कर लेते हैं कैप को हटाने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा लाइन में शॉर्टिंग हट चुका है, 500 के आसपास वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पर 100% कैपेसिटर शॉर्ट है, ये मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अभी इसमें बीप मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको अभी
बीप साउंड आ रहा है, मीन्स हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है। ये हमारा 35 से 50 55 वोल्ट का कैपेसिटर होता है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे GR आ चुका है और हमारा कैपेसिटर शॉर्ट यहाँ पे हो गया है। तो अभी हम इसको दूसरे PCB से निकालते हैं और एक दूसरा कैप रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही आप नहीं छोड़ सकते इसे। ये कैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, अदरवाइज़ आपकी लाइट ब्लिंक हो जाएगी या फिर लाइट जलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे आपको एक कैप डालना है। तो हमारे पास एक A12 सैमसंग A12 का PCB है जिसमें नॉर्मल लाइट होती है। तो ये हमारा एनोड के कैपेसिटर है, एनोड लाइन का, जिस जो कि ओके है, कोई शॉर्टिंग नहीं है इसमें। चलिए थोड़ा सा फ्लक्स डालकर इसको हम ले लेते हैं। और ये जो होता है 35 वोल्ट 40 वोल्ट 50 वोल्ट तक का आपको कैपेसिटर मिलता है, तो यही वाला आपको डालना है। कहीं से भी उठा करके कोई भी कैपेसिटर लाइट सेक्शन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। लाइट सेक्शन के जो कॉम्पोनेंट होते हैं उसका वैल्यू डिफरेंट होता है, अदर सेक्शन में जो होते हैं उसका वैल्यू डिफरेंट होता है, वो फिर उस सेक्शन में काम नहीं करेगा। तो चलिए हमने A12 के PCB से लोड कैप को निकाल लिया है और हमारे M30 के PCB में हम उस कैपेसिटर को माउंट कर लेंगे। माउंट करने से पहले जो कैपेसिटर के नीचे के जो टच पॉइंट है, जो PCB पर पॉइंट बने हैं, उसको हम अपने PPD के साथ मेल्ट कर लेते हैं, ताकि हम उसे हीट करके लगाएंगे तो हमारा बाजू में CPU और RAM जो है वो लीकेज ना हो, अदरवाइज़ आपका हैंडसेट डेड हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं IC के ऊपर भी हीट जा सकती है या CPU और RAM भी लीकेज हो सकता है। तो होगा कुछ नहीं, आपका काम बढ़ जाएगा, वापस से आपको CPU और RAM रिवॉल्व करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्टली आपको वर्क करना है। छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट को देते हैं, हमारे प्ले स्टोर एप्लीकेशन में इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस हम स्टूडेंट को देंगे। अभी 6 मंथ तक उनको सपोर्ट मिलता रहेगा, वीडियोस आते रहेंगे, साल भर तक उनको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता रहेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा टेक्निकली होकर के स्मार्ट वर्क करना है, ताकि हमारा काम बढ़े नहीं। तो चलिए इस कैपेसिटर को लगा लेते हैं। थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं PCB को और थोड़ा सा फ्लक्स डाल करके अभी हम कैपेसिटर यहाँ पर लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे कैपेसिटर हम लगा लेते हैं और कॉइल जो यहाँ से हमने हटाया था उसको भी लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप जंपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं SMD की मदद से इसको लगा लेता हूँ। 350 या 340 आप हीट रख सकते हैं, एयर 2 या 3 पे रखिए। पास में RAM और CPU है और पेस्टेड ब्लैक पेस्टेड IC लगी है, लाइट IC, वो भी लीक हो सकती है। बहुत ध्यान से, बहुत ही फोकस के साथ आपको ये काम करना है, अदरवाइज़ आपका काम बढ़ जाएगा। होगा कुछ नहीं, बस काम बढ़ जाएगा। तो आपको काम को जहाँ का वहीं पे करना है, तो आप थोड़ा सा ऐसा पेशेंस के साथ करिए तो आपका काम 100% सक्सेस होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर कॉइल हमने लगा लिया है और कैपेसिटर भी हमने लगा लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ध्यान से आपको काम करना है फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, अदरवाइज़ आपका CPU और RAM लीक हो जाएगा, मोबाइल आपका डेड हो सकता है। एक बार कूल टेस्टिंग कर लेंगे, कैप हमने रिमूव कर लिया है, रिप्लेस कर लिया है। तो कूल टेस्टिंग में यहाँ पर हमको GR मिलनी चाहिए। देख सकते हैं 450-460 के आसपास GR आ रहा है, यानी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। यहाँ पर भी हम 7th नंबर पिन पे, जो हमारी 7th नंबर ऑरेंज कलर की लाइन है, इसे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ भी हमको वही GR मिलने चाहिए। तो यहाँ पे भी कूल टेस्टिंग कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर भी वही 490 के आसपास GR आ रहा है, मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अभी एक बार फोल्डर में फिट कर लेते हैं और फिट करके चेक करते हैं कि लाइट हमारा यहाँ पे आया है या नहीं आया है। तो हमारे हिसाब से तो ये लाइट जल जानी चाहिए। तो
चलिए चार्जर हमने लगा लिया है। जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर चार्जिंग का लोगो आ चुका है। अभी परसेंटेज भी आएगा, जैसा कि इसमें 67% चार्ज था पहले, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देख सकते हैं 2% चार्जिंग हो चुकी है, क्योंकि चार्जर हमने बार बार लगाया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। और अगर आपको एडवांस लेवल में डेड मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, चिप लेवल रिपेयरिंग सीखनी है, 15 अक्टूबर से हमारा लाइव क्लासेस है ऑनलाइन जूम मीटिंग के थ्रू, उसमें जुड़ जाइए। ओनली 15,000 फीस है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जो है फ्रेंड्स, F41 यहाँ पे लिखा है, हालांकि जो फोल्डर है दोनों को एक ही लगता है, तो M30 हो या F41 हो, दोनों एक ही मदरबोर्ड होते हैं, वो दोनों एक ही डिस्प्ले में लग जाते हैं। तो स्नेक ट्रिक बोल के डालो, ऑनलाइन कोर्स में जुड़ जाइए मेरे साथ, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, जंपिंग ट्रिक, अपना 50-60 हज़ार रुपये ऑफलाइन क्लास में जाकर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, अपना 1-2 महीना जाकर के किसी के पास बैठना नहीं चाहते हैं, शहर छोड़ना नहीं चाहते, दुकान का काम छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऑनलाइन मुझसे क्लास ले लीजिए। आप एडवांस लेवल पे क्लास देता हूँ मैं सारी की सारी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।